गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस विटामिन बी। स्टूडेंट्स, हम आज विटामिन बी को डिस्कस करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट विटामिन ए। और स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता ही है, जो विटामिन्स होते हैं वो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी। बॉडी में नॉर्मल वर्किंग के लिए या जनरल वर्किंग के लिए इनसाइड द सेल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये सब्सटेंसेस, जिन्हें विटामिन्स कहते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी। स्टूडेंट्स, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी की कैटेगरीज पड़ते हैं, विटामिन्स आते हैं इसके अंदर, विटामिन बी के टाइप्स आते हैं, इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। स्टूडेंट्स, विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं, मींस बॉडी इनको लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखती है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी से जल्दी रिलीज हो जाते हैं। ओके, यूरिन में जल्दी रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इनकी रेगुलर बेस पे नीड होती है, रेगुलरली लेना होता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में नहीं रहते, ये डायरेक्टली रिलीज होते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ ये कैटेगरीज है, ये टाइप्स है, आपके टाइप्स कह सकते हैं आप विटामिन बी के। इनके विटामिन बी के अंदर हम पढ़ते हैं 8 विटामिन्स को। सो फर्स्ट इज अ विटामिन B1, जिसे हम कहते हैं थायमिन, साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं। सो साइंटिफिक नेम है थायमिन विटामिन B1 का। विटामिन B2 आ जाता है आपका राइबोफ्लेविन, B3 आता है आपका नाइसिन, B5 आता है पेंटोथेनिक एसिड, ओके, B6 आता है पाइरोक्सिन, B7 आता है बायोटिन एंड B9 आता है फॉलिक एसिड एंड B12 में हम पढ़ते हैं कोबालामाइन्स। ओके, सो ये टाइप्स है, ये विटामिन्स हम पढ़ते हैं विटामिन बी के अंदर। स्टूडेंट्स, अब हमें जानना है जो विटामिन बी है इसके हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है और किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। सो फंक्शंस जो होंगे, सबसे पहले जो विटामिन बी है स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कहेंगे सीधा सीधा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जैसे फूड है, फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ये जब बनते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्लूकोज में बनते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में, देन हमें एनर्जी मिलती है। तो इस वर्क के लिए हमें विटामिन बी की जरूरत पड़ती है, ये इसमें भी प्ले करते हैं वाइटल रोल, साथ ही ये प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शंस को रोकते हैं बॉडी में होने से, और हेल्प करते हैं एंड प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेल हेल्थ को, मीन सेल की ग्रोथ को। ओके, साथ ही आपको बताया मैंने प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ओके, एंड ये इंक्रीज करते हैं, ये जो परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की फंक्शन को भी ये बढ़ाते हैं। ब्रेन की फंक्शन जो होते हैं, हमारे सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी होती है, चीज़ों को याद रखने में हमारी मेमोरी जो होती है, तो उसको बढ़ाने में भी क्या होते हैं, विटामिन बी हेल्पफुल होते हैं। ओके, साथ ही स्टूडेंट्स, गुड आइस है, आइस के लिए भी अच्छा माना जाता है विटामिन बी को, और हेल्दी ब्रेन फंक्शन, हेल्दी एपेटाइट, मतलब हमें जो भूख लगती है तो उसको भी रखते हैं, बरकरार रखते हैं, हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, तो ये हेल्दी एपेटाइट भी हमें प्रोवाइड करते हैं, हेल्पफुल होते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो सोर्सेस पढ़ेंगे, अब सोर्सेज से पहले हम इसके डेफिशिएंसी जानेंगे, मीन्स अगर इन विटामिन्स की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो बॉडी में क्या डिजीज हो सकती है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। सो इनके डेफिशिएंसी डिजीजेस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो विटामिन B1 है आपका, जिसे हम थायमिन कहते हैं, अगर बॉडी में इसकी कमी हो रही है, ओके, तो उससे स्टूडेंट्स क्या होता है, बेरी रोग होता है, बेरी डिजीज का नाम है, जिसमें क्या होता है, हमें बॉडी में वीकनेस लगती है, एपेटाइट, लॉ ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगती है, भूख क्या खत्म हो जाती है, भूख, बॉडी में वीकनेस लगती है, बॉडी में पेन होता है, हमें स्वेलिंग लगती है बॉडी में, ये इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं बेरी के। ओके, नाउ सेकेंड है आपका स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस में हम पढ़ते हैं
कि ये किसकी कमी से होगा, विटामिन B2 की कमी से। अगर बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो रही है तो उससे होता है आपका स्टेटोमेटेटाइस। ओके, स्टेटोमेटेटाइस में आपको क्या होता है, जो इसका इफेक्ट होता है माउथ में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। ओके, जिन्हें हम आम भाषा में छाले होना कहते हैं या मुंह आ जाना कहते हैं, तो वो विटामिन B2 की जब कमी हो जाती है हमारे फूड में, इसलिए होता है। नेक्स्ट है आपका डायमेंशिया। डायमेंशिया स्टूडेंट्स विटामिन B6 जो है आपका, उसकी कमी से होगा। डायमेंशिया में क्या होता है, इंसान जो है, जो पर्सन है, उसे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। ओके, मतलब माइंड पे उसके असर पड़ता है। ये किसकी फंक्शनिंग को रोकेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग को रुकना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, उसे चीजें याद नहीं रहेंगी। तो अगर विटामिन B6 की कमी हो गई तो हमें उसमें डायमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ है मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है आपका B12, इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरे बॉडी में देन ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उसकी कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। ओके, साथ ही हमें भूख भी नहीं लगती, भूख की कमी आती है, बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, वीकनेस बढ़ती है, और मेमोरी से भी इसका सीधा सीधा फंक्शन है कि बहुत कम हो जाती है, मींस इंसान को चीजें याद नहीं रहती, फॉरगेटफुलनेस जिसे कहते हैं। ओके, सो ऐसा हो जाता है जब B12 की होती है। B12 स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। B12 से क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, जो मैंने बताया, सबसे ज्यादा इसका एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है B12। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम सोर्सेस जानेंगे कि विटामिन बी की सोर्सेस क्या है। सो मीट, पोर्क, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, बीन्स, पोटैटो, मिल्क, फिश, ये सारे सोर्सेस है विटामिन बी के। विटामिन B12 में स्टूडेंट्स, B12 की बात करूंगी, B12 में आते हैं आपके जो एनिमल ओरिजिन होते हैं, एनिमल ओरिजिन जैसे लीवर, किडनी, एग्स, तो ये इनकी सोर्सेज होती है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पर्सन एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेता, या वो मिल्क जो दूध में भी पाया जाता है, विटामिन B12 की मैं बात कर रही हूँ, अगर B12 की कमी हो रही है, इसका मतलब वो इंसान या तो एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं लेता और मिल्क भी बहुत कम लेता है, तो उसकी बॉडी में B12 की कमी आ जाती है, उस पर्सन की बॉडी में। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके विटामिन बी के फंक्शन। ओके, बी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन थे ये, इनके डेफिशिएंसी डिजीज हमने जानी, इनके सोर्सेज जाने। और अगर स्टूडेंट्स बॉडी में विटामिन बी की कमी हो रही है किसी भी पर्सन की, तो वो दो चीजों की कमी हो सकती है, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो उसकी बॉडी, उस वो जो फूड ले रहा है पर्सन, उसमें विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी रिच जो फूड है वो नहीं ले रहा है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो अपने जो उसकी डाइट है उनमें वो विटामिन बी तो ले रहा है, बट उसकी जो बॉडी है, उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसकी बॉडी में कुछ कमी है, या उसको कुछ डिजीज है जिसकी वजह से वो उनको अब्जॉर्ब नहीं, ब्लड में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, विटामिन बी ब्लड में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से हमें पता चलता है जो विटामिन बी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, जैसे कि और विटामिन होते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।